सबको पता है, जनता को पता चल गया अभी कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा. और जिस इंसान को आप प्यार करते हैं ऑब्वियसली नेचुरली उसके लिए केयर भी करते हैं, तो इसलिए मैं मिहिर को अपने हाथों से खाना खिला रही थी. और ऑब्वियसली शगुन आंटी जो है वो मुझे फुल सपोर्ट कर रही थी, तो मैं और ज़्यादा यू नो अपना प्यार दिखा पा रही थी. तो कैसे, मतलब कौन सा एंगल? एक अलग एंगल आ जाएगा क्योंकि एक अलग ही ट्रैक दिखाया जा रहा है वहाँ जी. तो ये अभी तो ऐसा वेल कुछ कह नहीं सकते हैं. बाकी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी कि मिहिर आपको थोड़ा सा इग्नोर टाइप कर रहे थे. हाँ, मिहिर मुझे ऑब्वियसली इग्नोर कर रहे थे बिकॉज मिहिर को नहीं पता, उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ. और हाँ, मिहिर के लिए मैं बच्ची हूँ बिकॉज ही इज़ 40 एंड आई एम 20, तो वो एज डिफरेंस है. तो मिहिर के लिए आई एम अ किड राइट नाउ, तो मैं ज़्यादा उनकी ज़्यादा क्लोज हो रही थी, कंसर्न हो रही थी. ये देख के वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी, इसलिए थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे. हाँ, बिकॉज ही इज़ मोर क्लोज टू रमन, वो रमन के बहुत ज़्यादा क्लोज है, भल्ला उस दिव्यांका के बहुत क्लोज हैं. बट जब शगुन आंटी, आई डोंट नो, शगुन आंटी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, तो वो दिव्यांका को थोड़ा बुरा फील कराने के लिए वो ये बोल देते हैं कि नहीं, जो मिहिर है हमारे साथ रहेगा और आलिया, जो आलिया को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा स्पेंड करने के लिए मिहिर के साथ. तो बस यही प्लान है अभी तो. थैंक यू.